क्या पांड्या की होगी टेस्ट में वापसी? क्या इंग्लैंड दौरे पर जा पाएंगे हार्दिक पांड्या? क्या भुवनेश्वर कुमार को भी टेस्ट में देना चाहिए मौका? ये दो भारतीय, इन पर भारतीय क्रिकेट फैंस नजर टिकाए बैठे रहते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले कई सालों से टीम इंडिया की जान बने हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने न जाने कितने मैच टीम इंडिया की झोली में डाले हैं, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब ये दो खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड में नहीं हैं, और इसीलिए नहीं हैं क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ एक ऐसी समस्या है जो इन्हें टेस्ट क्रिकेट से दूर रख रही है। ऐसे में हर किसी के मन में अब एक ही सवाल है कि क्या हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार की टेस्ट में वापसी होगी। अब इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे आकाश चोपड़ा ने एक बड़ा बयान दिया है। आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी को लेकर कहा है कि हार्दिक पांड्या ने साफ कह दिया है कि वो टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त गेंदबाजी नहीं करेंगे, और जब तक वो गेंदबाजी नहीं करते हैं तब तक उन्हें टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। भले ही हार्दिक पांड्या ने टेस्ट क्रिकेट में एक शतक लगाया है, लेकिन अगर वो गेंदबाजी नहीं करते हैं तो फिर बल्लेबाज के तौर पर आप उन्हें नहीं खिलाएंगे। उनकी जगह हनुमा विहारी या फिर किसी और को शामिल किया जा सकता है। साफ है, हार्दिक पांड्या को लेकर चोपड़ा ने बता दिया है कि वो क्या समझते और सोचते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भुवनेश्वर कुमार पर भी बड़ा बयान दिया है। चोपड़ा ने बताया है कि आखिर क्यों भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के लिए टेस्ट नहीं खेलते दिखाई दे रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने भुवनेश्वर को लेकर कहा, भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड टूर के लिए ना चुने जाने का कारण फिटनेस नहीं था, बल्कि इस तरह की खबरें सामने आई थी कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया था और कहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जाहिर है भुवनेश्वर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और उनके जैसे गेंदबाजों की टीम इंडिया को जरूरत भी है, क्योंकि ये तो हर किसी ने देखा है कि इंग्लैंड में जिस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भुवनेश्वर कुमार की कमी खली, टीम इंडिया उन्हें आगे अपने साथ जरूर देखना चाहेगी। ऐसे में आकाश चोपड़ा का कहना है, मैं साउथ अफ्रीका दौरे के लिए एक बार फिर उनके नाम पर विचार करूंगा। आप उनको इंग्लैंड दौरे पर ले जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए निश्चित तौर पर मैं भुवनेश्वर कुमार का सिलेक्शन करूंगा, भले ही वो अच्छा प्रदर्शन करें या ना करें। आकाश चोपड़ा की ये बात बिल्कुल सही लगती है। टीम इंडिया को भुवनेश्वर कुमार की इंग्लैंड में जरूरत तो थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। ना बीता हुआ वक्त वापस आ सकता है और ना ही बीती हुई ट्रॉफी फिर से जीती जा सकती है। लेकिन अब तो सब यही कहेंगे कि भाई भुवी को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी की फिटनेस ने साथ दे दिया तो इसका अनुभव टीम इंडिया को फायदा तो करेगा ही, बल्कि टीम के बाकी युवा गेंदबाजों के लिए भी एक वरदान साबित हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड के दौरे पर हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को ले जाना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज क्रिकेट सूत्रा को लाइक जरूर कर लीजिए।